पधारो महारे देश। राजस्थान के जयपुर ज़िले के पास स्थित चोखी ढाणी में आज आप लोगों को हम दिखाएंगे कि किस प्रकार एक ही गांव को कला, संस्कृति और राजस्थान की संपूर्ण जो कलाकृतियां हैं, पहनावा, लोगों का रहन-सहन, उस सभी चीज़ों को यहां आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हल्दी घाटी का जो युद्ध, जो रणभूमि था, उसको यहाँ पूरा का पूरा एक लाइटिंग के साथ इस तरीके से डिस्प्ले किया गया है। आप पूरे के पूरे राजस्थान की धरा को आप एक ही जगह पर आकर यहाँ देख सकते हैं। यह जो पूरा का पूरा चोखी ढाणी जो एक गांव के रूप में स्थापित किया गया है, ये काफ़ी संस्कृति, कला और साथ में हमारे राजस्थान की विभिन्न ऐसी जो घटनाएं जो इतिहास के पन्नों पर आज भी कुछ बयां करती हैं, इसी प्रकार ये हल्दी घाटी का जो युद्ध था, जो रण के मध्य जो लड़ा गया था, उसे पूरा यहाँ पर अलग अलग कलाकृतियों को दर्शाते हुए यहाँ पूरा का पूरा दिखाया गया है। साथ में ही जब आप इस चोखी ढाणी में आगे की ओर जाएंगे, यहाँ मंदिर, गांव का रहन सहन, लोगों का गांव में किस प्रकार से अपना पूरा दिनचर्या को विचरण करने का जो तरीका होता है, कलाकार अपनी कलाओं को किस प्रकार दिखा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आज इस कार्यक्रम में, हम रविवार विशेष कार्यक्रम गांववाणी स्टूडियो के में, आप लोगों को चोखी ढाणी के बारे में पूरा का पूरा विवरण आप लोगों को आज हम यहाँ पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाएंगे। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ बच्चों को खेलने के लिए भी अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो निशानेबाजी की बात करें या फिर हम तीरंदाजी की बात करें या फिर यहाँ के अलग अलग प्रकार के जो नृत्य या फिर खेल या फिर कठपुतलियाँ, जो कि हमारे राजस्थान की विशेष एक पहचान दिलाती हैं, यहाँ कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन इन कठपुतलियों के माध्यम से भी करते हैं। तो चलिए हम इसको आपको लाइव दिखाते हैं।
आपने देखा कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किस प्रकार बखूबी तरीके से यहाँ पर किया है। अब हम आपको चौकी ढाणी के अंदर का जो एरिया जहाँ पर लोगों को ठहरने की व्यवस्थाएं की गई है, पूरा का पूरा एक पार्क टाइप में और वो भी गांव जैसा एक माहौल बनाकर यहाँ पर उसे स्थापित किया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल गाँव का रहन सहन किस प्रकार प्राचीन समय में था, उन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। पत्थर हों या पेड़ों की कतारबद्ध तरीके से पेड़ों को लगाने की बात करें या फिर हम झरनों की बात करें, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर एक अलग तरीके से अलग अंदाज में यहाँ पर लगाया गया है। पानी के वाटर हार्वेस्टिंग का ऐसा स्ट्रक्चर जो यहाँ का पानी जो यूज होने के बाद अलग जगह इकट्ठा करके और उसे पेड़ों में सिंचाई के लिए यहाँ पर काम लिया जाता है। साथ में अलग अलग तरह की कलाकृतियों को यहाँ पर एक विशेष समायोजित करके और उसे डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए अलग अलग तरह से नदी पर किस प्रकार पुल बनाए गए थे, पुल के साथ पानी का बहाव किस तरीके से हुआ करता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राचीन जो घड़ा उसे गांव के में पनघट पर किस प्रकार पानी लेने के लिए गांव की महिलाएं पीने का पानी लेकर आती थी, साथ में आप देख रहे हैं कि पत्थरों को इस प्रकार समायोजित किया गया है, एक कलाकृति का रूप लिया गया है। यहीं पानी को एक रिसाइकल करके और किस तरीके से यहां पर एक झरने के रूप में उपयोग में लिया गया है। और विशेषकर ये पानी का वाटर हार्वेस्टिंग का भी काफ़ी अच्छा उत्तम एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि एक वाल के ऊपर हैगिंग करके पेड़ों को किस तरीके से एक दीवार को यहाँ पर हरी दीवार के रूप में यहाँ पर इसे बनाया गया है। पत्थरों को एक व्यवस्थित करके एक पार्क जैसा रूप दिया गया है। यहाँ बच्चे इन कलाकृतियों के साथ अपने आप को देखकर ये देख रहे हैं कि कैसे ढोलक वगैरह बजाया करते थे। बच्चों ने इनको कलाकृतियों को देखकर बच्चों के बाल मन में इनकी उत्सुकता देखकर हमें भी लगा कि ये एक ऐसा प्राकृतिक स्थल इन लोगों ने बनाया है जहाँ बच्चे अपना बचपन याद करके और इनके साथ खेल खेल में ये चीज़ें सीख पाते हैं। साथ में पत्थर के ऊपर बनी हुई कलाकृतियाँ या फिर यहाँ राजस्थान में मंदिर या फिर हम देखें कि किस प्रकार पनघट पर पानी लेकर जब पनिहारी आती थी तो उसे भी बिल्कुल
यहाँ पर इस फोटो के माध्यम से दर्शाया गया था, मांडने और साथ में मिट्टी की दीवारों के ऊपर किस तरीके से हाथ से बनाए हुए ये जो मांडनों की आकृति थी वो भी काफ़ी दर्शनीय यहाँ पर लगती है। मन करता है यहाँ इन कलाकृतियों को देखकर हमारी राजस्थान की परंपराओं को भान करती हैं, ये आभास कराती हैं। साथ में यह भी भान होता है कि पहले जब गांवों में कच्ची झोपड़ी में लोग रहते थे तो उन्हें ना ही कोई एसी की, ना ही उन्हें कोई पंखे की आवश्यकता थी, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके के वातावरण में वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। पेड़ों की चारों तरफ हरियाली के साथ में छाँव के नीचे जब बैठते थे तो उन्हें तरोताजगी का एहसास होता था। साथ में भी आप देखेंगे कि पूरे के पूरे गांव के कल्चर को यहाँ इस अलग अलग तरह की पेंटिंग के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। आपको लगेगा कि आप किसी प्राचीन गांव में आ गए हैं। पहले गांव में लोग ना मोबाइल थे, ना ही टीवी थे, ना ही थिएटर थे। लोगों का रहन सहन, लोगों की दिन की दिनचर्या, चाहे छाए बनाना हो या फिर बैठ के चक्की से आटा पीसना हो, हाथ से चलाने वाली ये चक्की आपने यहाँ पर देखी है। साथ में आप पूरा का पूरा गांव का कल्चर आपको यहाँ पर भान होता है। तो जब भी कभी फुर्सत का पल आप लोगों को लगे और कभी भ्रमण अपने परिवार के साथ अगर गांव को देखने का आपका मन करे तो आप यहाँ जयपुर के पास चोखी ढाणी में ज़रूर आकर आप अपने बच्चों के साथ राजस्थान का रहन सहन, यहाँ की परंपराएँ, यहाँ के जो प्राचीन जो रहन सहन के जो तरीके थे उन सब चीज़ों को आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। किस प्रकार भोर के साथ गांव की जो दिनचर्या स्टार्ट होती थी आज लोग महंगे बेड या फिर इस तरह की चीज़ों पे अपना विचरण करते हैं। पहले इस तरह की बैलगाड़ियाँ गाँव में होती थी, आने जाने के लिए सामान ढोने के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता था। घर के बाहर इस प्रकार चारपाइयाँ होती थी और गाँव में अगर कभी कोई उत्सव या फिर कहीं कोई प्रोग्राम होता था तो घरों के बाहर इस प्रकार चारपाइयाँ रहती थी। शादी विवाह या इस प्रकार के जब आयोजन होते थे तो कभी किसी भी व्यक्ति को घूमना नहीं पड़ता था। हर घर के बाहर इस तरह की एक चारपाई या फिर बैठने की व्यवस्थाएं मिलती थी। आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ यहाँ इन महिलाओं को रोज़गार भी मिला है इस गांव के, मतलब रूरल टूरिज्म के रूप में इस गांव के डेवलप होने से यहाँ आसपास के गांव में जो महिलाएं रहती हैं उन्हें ना सिर्फ रोज़गार का अवसर प्राप्त हुआ है, साथ में अपने गांव की संस्कृति और परंपराओं को यहाँ प्रदर्शित करने का भी इन महिलाओं को अवसर और मौका मिला है। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा हमारी टीम के साथ यहाँ के इस पूरे के पूरे चोखी ढाणी के इस पूरे एटमॉस्फेयर को और जो गांव की सभ्यता, गांव की संस्कृति, गांव की परंपराएं, गांव का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की रीति रिवाज और साथ में गांव के कलाकारों की जो कला थी उसको एक अच्छे उत्तम तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आपको आने के बाद जब आप यहाँ विचरण करेंगे तो आपका मन करेगा कि यहाँ बैठ के फुर्सत के सुकून के पल कुछ यहाँ पर बिताए जाएं, और आपका मन नहीं करेगा यहाँ से आने का तो हम पुनः हमारी टीम की ओर से आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप इस प्रकृति के मध्य आकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अगर आप कुछ समय बिताएंगे तो आपको लगेगा कि हमारा राजस्थान किस प्रकार अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति और इन सब चीज़ों से कैसे श्रेष्ठ है। तो हम गांववाणी स्टूडियो का और हमारी टीम का प्रयास रहता है सदा आपको इस प्रकार आपको प्रकृति के मध्य ले जाकर यहाँ के जो आप देख रहे हैं कि ये जो बतख हैं ये पानी में किस प्रकार हटकेलियाँ कर रहे हैं, यहाँ पर ये बतखों का पूरा परिवार एक समूह के रूप में रहता है, कैसे ये विचरण करते हैं, इनका सफ़ेद जो कलर है जो शांति का प्रतीक है इन्हें देखकर भी लगता है कि जीव जंतुओं का भी अपना एक संसार है, वो अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं। तो चलिए हम आपको इसी प्रकार की नई जानकारियों के साथ सतत और निरंतर गांववाणी स्टूडियो से इसी प्रकार जोड़े रखेंगे। हमारे अगले कार्यक्रम में आपको फिर एक राजस्थान की कुछ ऐसी अलग अलग जगह की नई रोचक जानकारियों के साथ आपके साथ हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए विदा चाहेंगे और फिर मिलेंगे आपके साथ इसी प्रकार गांववाणी स्टूडियो के नए कार्यक्रम के साथ। जय हिंद, जय भारत।